हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू बोइंग फीट। मैं हूँ स्वाति। आज की वीडियो में एसेंशियली मैं बात करने वाली हूँ कुंजल क्रिया की और देने वाली हूँ डिटेल्ड गाइड की आप कुंजल क्रिया घर में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इन केस अगर आपको कुंजल क्रिया के बारे में जानना है, मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, कोई भी स्टेप इसमें मिस ना करें, बिकॉज पूरी डिटेल्ड चीज मैं इसमें बताने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो गो अहेड एंड प्रैक्टिस दिस। बहुत ही बेनिफिशियल है इसको करना। साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना टू रिमेन कनेक्टेड। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपके साथ हठ योगा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस शेयर किया था, जो कि हठ योगा में कहा गया है कि किसी भी योगिक प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले करनी चाहिए। अब चाहे वो योगिक प्रैक्टिस आसन की हो, प्राणायाम की हो या मेडिटेशन की हो, मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए उस योगा प्रैक्टिस के बहुत जरूरी है कि हम ये प्रोसेस करें। इस प्रोसेस का नाम है षटकर्मा, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे लास्ट वीक डाली थी, जहां पर कि मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि षटकर्मा क्या होता है, षटकर्मा क्यों करना चाहिए। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी है, जस्ट टू सम अप दिस इन वन लाइन, षटकर्मा क्लीनिंग प्रोसेस है बॉडी के लिए। आपकी बॉडी को अंदर से प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी बॉडी को बेटर प्रिपेयर करता है योगिक प्रैक्टिसेस के लिए। आज से लेके अगली चार वीडियोस में आई एम गोइंग टू शेयर द इन डेप्थ डिटेल ऑन एवरी टेक्निक ऑफ षटकर्मा, जो कि आप घर में बहुत इजीली कर सकते हो। षटकर्मा में बिगनर्स एंड एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल में मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज उसमें एक्सपर्ट सुपरविजन चाहिए। ये चार वीडियोस में आई एम गोइंग टू शेयर टेक्निक्स जो कि आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो, दो आई विल स्टिल रेकमेंड कि अंदर सुपरविजन ही करो, सो दैट कोई रेपरकशन आपको फेस ना करना पड़े। कुंजल क्रिया की टेक्निक की बात करने से पहले बात करते हैं कि कुंजल है क्या। हठ योगा में कुंजल को वमन धौती कहा जाता है, जो कि धौती प्रोसेस का एक पार्ट है। धौती के प्रोसेस में असेंशियली चार टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से कि वमन धौती एक पार्ट है। आयुर्वेदा ने इसको नाम कुंजल क्रिया का दिया है, और अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इट्स अबाउट वॉमिटिंग वाटर। कुंजल क्रिया काफी लोग कंफर्टेबल नहीं होते प्रैक्टिस करने के लिए इनिशियली, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुंजल बहुत ही बेनिफिशियल क्रिया है अगर आपको एसिडिटी या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। मुझे पर्सनली एसिडिटी का प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस में रहता था, लेकिन कुंजल क्रिया को प्रैक्टिस करते करते मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस देखे हैं। ऑफकोर्स मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाया है योगा के साथ, लेकिन इनिशियली कुंजल क्रिया ने मेरी काफी हेल्प करी। कुंजल क्रिया आपको कब परफॉर्म करना चाहिए? योगा प्रैक्टिशनर्स जनरली दो टाइम देते हैं, या तो आप इसको मॉर्निंग में करिए जब आप उठते हैं, या फिर आफ्टर 4 to 5 hours ऑफ हैविंग योर मील आप कुंजल क्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इसको दोनों टाइम पे परफॉर्म किया है, एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि मॉर्निंग इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम जब आपको कुंजल क्रिया प्रैक्टिस करना चाहिए। उसका रीजन ये है दैट बॉडी ऑलरेडी 12 hours फास्टिंग पर होती है, एंड इट्स मच इजी दैट टाइम कि आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाए, एंड बॉडी भी बहुत ज्यादा लाइट फील करने लगती है, रेदर देन द प्रोसेस जो कि हम इवनिंग टाइम में करते हैं आफ्टर हैविंग अ मील। उस टाइम पे जब आप वाटर रिलीज करते हैं बॉडी से, जनरली खाना बाहर आता है एंड इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। बॉडी उस टाइम पे इतना लाइट फील नहीं करती है जितना कि वो मॉर्निंग टाइम में करेगी। मॉर्निंग टाइम मुझे स्पेसिफिकली बेनिफिशियल लगा। आप इसको दोनों टाइम पर कर सकते हो, आप इसको सुबह भी कर सकते हो, 4 to 5 hours खाने के बाद भी कर सकते हो। दो मेरा रेकमेंडेशन यही है कि आप इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करो जब आप उठते हैं। अब बात करते हैं कि कुंजल क्रिया को कैसे किया जाए।
कुंजल क्रिया करने से पहले याद रखें कि आप अपने हाथ अच्छे से धो लें, क्योंकि इस क्रिया में हाथों का इस्तेमाल होने वाला है। प्लस कुंजल क्रिया को करने के लिए आपको चाहिए 2 लीटर ल्यूपम वाटर। आप प्लेन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुंजल क्रिया के लिए, लेकिन सॉल्ट वाटर का एडवांटेज ये है कि वो म्यूकस डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, प्लस एसिडिटी को भी बहुत तरीके से रिलीफ करता है। सो अगर आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप कुंजल क्रिया का प्रैक्टिस नमक के पानी के साथ ही करें। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें, अगर आप कुंजल क्रिया की प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हैं तो इनिशियल कुछ 2 हफ्ते हो सकता है कि आपकी बॉडी येलो पानी रिलीज करे। साथ में चाहिए हमें एक पानी पीने के लिए जग, जिसके साथ हम कुंजल क्रिया परफॉर्म करने वाले हैं। अब आप पानी पीना किसके साथ प्रेफर करते हैं वो आपके ऊपर है। आप बॉटल भी ले सकते हैं, अपना सिपर भी ले सकते हैं, या आप ग्लास भी ले सकते हैं। अगर आप कुंजल क्रिया को घर में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इसे अपनी बालकनी में भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अपने बाथरूम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। पानी पीने के लिए कोई भी ऐसा डिफाइंड पोस्चर कुंजल क्रिया के लिए किसी भी योगिक टेक्स्ट में नहीं दिया गया है, बट मैं जनरली प्रेफर करती हूँ स्क्वैट पोजीशन में बैठ के पानी पीने के लिए, बिकॉज स्क्वैट पोजीशन में स्टमक तक पानी रुक जाता है, जो कि एसेंशियली हमें कुंजल क्रिया में चाहिए। पानी पीने के प्रोसेस में एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि पानी यहाँ पे हमें सिप सिप करके नहीं पीना है। अगर आप सिप सिप और स्लो पानी पिएंगे तो आपके बॉडी ऑर्गन्स उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुंजल क्रिया आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको पानी जितनी जल्दी हो सके और जितना मोटा घूट आप पानी का ले सके आपको वो करना है। इट्स अबाउट गल्पिंग द वॉटर एंड नॉट रियली सिपिंग इट। जब आपको लगे कि आपका स्टमक फुल हो गया है एंड वॉमिटिंग का सेंसेशन डेवलप होने लगे, यही टाइम है कि आप कुंजल क्रिया का फाइनल स्टेप परफॉर्म करेंगे। आप अपने बाथरूम या कॉर्नर में जाकर टिल्ट इन होकर एसेंशियली हाथ की मिडल फिंगर या इंडेक्स फिंगर या फिर 3 उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फाइनल स्टेप के लिए आपको कुंजल क्रिया में उंगलियां मुंह के अंदर इतनी दूर तक डालनी है कि अंदर का पानी बाहर आ जाए। जब वाटर बाहर आ जाए आप अपने मुंह से उंगलियां निकाल सकते हो। इनिशियल प्रैक्टिस में ये थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यू विल गेट हैबिचुअल ऑफ इट। एक बार में जब पानी बाहर आना बंद हो जाए आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कीजिए, फिर से उंगलियां मुंह में डालिए, पुश करिए सो दैट फर्दर पानी बाहर आए, टिल द टाइम यू फील कि आपका स्टमक अब खाली हो गया है। करते हैं कि क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक बिगनर को कुंजल क्रिया करते हुए। अगर पानी का इनफ्लो आना बंद हो जाता है दैट मींस कि आपके पेट में पानी खत्म हो गया, यही टाइम है कि आप कुंजल क्रिया करना बंद कर दो। एक्सेस में मत करना, एक्सेस जोर मत देना, एसिड इन्फ्लक्स ऊपर आने लगता है एंड इट्स जनरली वो टाइम होता है कि शायद थोड़ी सी तबीयत आपकी खराब कर दे। साथ ही साथ अगर आप कुंजल क्रिया को पहली बार कर रहे हो, मेक श्योर कि स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन यानी कि 1 हफ्ते से 10 दिन का एक पीरियड होता है कि जब आपको विद इन हाफ एन आवर कोई लाइट मील कंज्यूम करना होता है। चाय या कॉफी उस ड्यूरेशन में मत कंज्यूम करना। बेनिफिशियल है कि आप अगर कोकोनट वाटर पी सके उस टाइम पे, और अगर वो नहीं है तो कोई भी फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन 1 हफ्ते से 10 दिन का एक टाइम होता है जब आपको विद इन हाफ एन आवर कुछ खा लेना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी को एकदम झटका ना लगे। करते हैं कि कुंजल क्रिया किसे नहीं करनी चाहिए। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट है, या फिर आप प्रेग्नेंट है, या फिर आपको किसी तरह की आई प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट डिजीज है और डायबिटिक है, आपको ये क्रिया स्पेसिफिकली अवॉइड करनी चाहिए। उसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि बॉडी को थोड़ा सा जोर यानी कि फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो स्पेसिफिकली पर्सन जिन्हें स्ट्रोक या हार्ट डिजीज या फिर प्रेग्नेंट है उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। एंड सेकेंडली ये क्रिया करते करते बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, यही रीजन है कि हाई बीपी पेशेंट्स को मना किया जाता है कुंजल क्रिया प्रैक्टिस करने के लिए।
करते हैं कि कुंजल क्रिया के क्या बेनिफिट्स हैं। कुंजल क्रिया आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करती है, एक्सेस म्यूकस रिमूव करती है, हेल्पिंग रेस्पिरेटरी फंक्शंस टू परफॉर्म बेटर। कुंजल क्रिया आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी रिलीव करती है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो गो अहेड एंड प्रैक्टिस दिस। बहुत ही बेनिफिशियल है इसको करना। साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना टू रिमेन कनेक्टेड।